हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक ट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर जाएंगे आपके व्हाट्सएप में और यहाँ पर जब भी जाएंगे सेटिंग में, तो यहाँ पर गाइस एक निशान आपको दिखाई देता है। तो ये क्या होता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए और ध्यान से देखिएगा। और अगर गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जाता हूँ मैं अभी व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप में जाने के बाद यहाँ पर अभी मैं जाता हूँ सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आता है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक QR कोड आपको दिखाई देगा। ये जो QR कोड होता है गाइस, ये आपके व्हाट्सएप नंबर का QR कोड होता है। जब भी कोई भी शख्स यहाँ पर स्कैन करेगा इस QR कोड को, तो आपका जो व्हाट्सएप का नंबर है वो उसके पास चला जाएगा। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं किसी को भी। अगर आपको यहाँ पर नंबर देना नहीं चाहते तो यहाँ पर आप QR कोड के ज़रिए वो इजीली आपका जो नंबर है वो इजीली सेव कर पाएगा। तो यहाँ पर स्कैनिंग बोल के यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कैन कोड। जैसे ही आप दूसरे फ़ोन में यहाँ पर स्कैन कर लेंगे इसे इस QR कोड को, तो यहाँ पर उस शख्स के पास यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो यही इसका यूज़ है गाइस, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।